बच्चों हाउ आर यू, ये 6.2 एक्सरसाइज है, 6 चैप्टर 6 क्लास का इन टीचर्स। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, इसमें क्या है, यूजिंग द नंबर लाइन एट द फॉलोइंग इन टीचर्स, उसने राइट द टीचर्स बोला था, इसमें क्या है ऐड करने हैं हमें। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इंटीजर्स की जैसे आपको डेफिनेशन में हर बार बताती हूँ, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और अलोंग विद जीरो। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, यूज द नंबर लाइन। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा 9 प्लस माइनस 6, ये देखो 9 प्लस माइनस 6 है, तो 9 में पीछे की तरफ आना है, 9 सबसे पहले ये नंबर लेना है, नंबर लाइन बना ली, 9 में पीछे की तरफ आना है, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया ना, यहाँ तक है हमारा ये, ठीक है। तो 9 में से माइनस 6 गए, कितने हो गए 3, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 नंबर जो काम किया है, 9 प्लस माइनस 6, यहाँ पे क्या लगाओगे, पीछे की तरफ, क्योंकि माइनस 6 बोला है तो पीछे की तरफ आएंगे, तो आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए हम एक बनाएंगे, ये देखो यहाँ तक दोबारा बना देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक में ही बताया था आपको, 1 2 3 4 5, और एक क्या है, -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ क्या है 5 प्लस माइनस 11, 5 प्लस माइनस 11 है, यहाँ पे 5 प्लस माइनस 11, पीछे की तरफ चले गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यहाँ तक आ गई, 5 यहाँ से शुरू किया हमने और -11, तो कितना आंसर हमारे पास है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -11 तक गए हैं, यहाँ पे कितना आंसर आएगा, -11 + 5 = 6, ठीक है। आंसर हमारा कितना आ गया, 6, सॉरी -6। सी पार्ट देखिए, -1 + -7, तो यहाँ पे क्या है, हमें नेगेटिव नंबर चाहिए क्योंकि -1 से है, तो हम उस हिसाब से बनाएंगे, 1 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ तक ले लिए। उसने क्या बोला है, -1 से, ये देखो -1 से 7 इंटीजर्स लेने हैं हमने, -1 और -7 कितना हुआ, आंसर कितना हुआ, -8, आंसर कितना हुआ, -8। अब -1 से ध्यान से देखो, यहां से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां तक आ गया ना, -8, ठीक है, यहां तक आ गया हमारा ये वाला, ये आंसर कितना, -7 कितने लिए, -1 से -7 तक, इसका आंसर कितना है, -8। नेक्स्ट जो है, समझ आ रहा है, जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, जैसे रकम आपसे पूछी है वैसे ही आपने करना है। फोर्थ पार्ट जो है, -5 + 10, -5 में 10 जमा करने हैं तो क्या आएगा, -5 में 10 जमा करने हैं तो पॉजिटिव नंबर्स ज्यादा आएंगे, इसी से हमने पता लग जाता है, उसके हिसाब से हमने नंबर लाइन बनानी है, -2 -3 -4 -5। अब उसने -5 + 10 कहा है, तो फिर इधर के लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 10 में से 5 में आंसर कितना आएगा, 5, आंसर कितना आ गया हमारे पास, 5, तो यहां पे कितना है, -5 से 1 2 3 4 5 6 7 8
नौ और दस, यहां तक आ गई, यहां तक आ गई हमारे पास। माइनस फाइव प्लस टेन, यहां पे कितना आ गया, ये प्लस दस है ना, तो हमारा आंसर कितना है, फाइव। ई पार्ट, नंबर लाइन बनानी है आपने हर क्वेश्चन के साथ। ई पार्ट में क्या है, यहां पे माइनस वन, माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री। अब माइनस वन के बाद कितना ऐड करना है, माइनस टू करना है, फिर कितने ऐड करने हैं, माइनस थ्री ऐड करने हैं। तो पीछे की तरफ आएंगे, हमें कौन सी नंबर लाइन चाहिए, नेगेटिव नंबर्स वाली। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन। यहाँ पे कितना आंसर आ गया, माइनस वन प्लस, माइनस टू प्लस, माइनस थ्री, तीन दो पांच और छ, माइनस छ जो है हमारा आंसर आया। अब माइनस वन से माइनस टू तक एक ली, एक दो यहां तक बन गई एक, फिर क्या करे उसमें माइनस थ्री, सॉरी माइनस वन से माइनस टू तक, यहां जीरो से हमने ले ली, ये रही, यहां जीरो है, हमने यहां से ली माइनस वन से माइनस टू तक, यहां हो गई एक, फिर उसके बाद क्या किया, तीन, एक दो तीन, ये यहां तक हो गई। यहां पे कितना लिखना है, ठीक है, माइनस एक और माइनस टू, माइनस तीन हो गया, यहां पे कितना हो गया, माइनस एक। टोटल आंसर हमारे पास कितना आ गया, माइनस सिक्स, यहां तक हो गया। एफ पार्ट, समझ आ गया सबको, यहां से माइनस वन से उसने बोला कितने ऐड करने हैं, माइनस टू, तो कितना आ गया, एक दो, फिर उसके बोला माइनस तीन, एक दो तीन, माइनस थ्री उसने बोला है, अगर प्लस थ्री होता तो किधर जाना था, राइट हैंड साइड में। अब हम कहां जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। नेक्स्ट जो है माइनस टू प्लस एट प्लस माइनस फोर, एक तरफ हमने आगे बढ़ना है, दूसरी तरफ हमने पीछे मुड़ना है। ये देखो यहां से पता लग रहा है आपको, ए यहाँ पे कितने नंबर नंबर लाइन बनानी है हमने, जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव और माइनस सिक्स। यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितना बोला उसने, आठ तक जाना है, सात आठ, यहाँ तक है ना। माइनस टू कहता माइनस टू से लेकर प्लस आठ, यहां से शुरू हुए, एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ, यहां तक आ रहा है। ये हो गई एक नंबर लाइन हमने बना दी माइनस दो से आठ तक, छ तक हो गई। उसके बाद माइनस चार, उसके बाद कितनी आनी है, माइनस चार, यहीं से शुरू हो जानी है। ये देखो एक, यहां से शुरू कर देते हैं, इसको ऊपर की तरफ ले जाओ, एक दो तीन चार, यहां तक हो गई ना, ये आ गई, दो तक आ गई, ये दो तक आ गई, चार नंबर काम है माइनस फोर, तो इसका टोटल कितना बन गया, आठ में से छह निकाले, आंसर कितना आया हमारा, टू। ये है सेकंड क्वेश्चन 6.2 एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।